सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग हो चुका है यार, और अभी बजरो है सुबह 7, और पीछे आप देख सकते हो फ्लेमिंगोस की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहे गाइस फ्लेमिंगोस जो कि इस वाटर के अंदर है। और बाकी लोग तो अभी सोए हैं, एक दो लोग ही उठे हुए हैं, तो मैं जाके देखता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि ठंडा पानी रात को पी लिया था, तो देखते हैं। चलो पूल की तरफ चलते हैं। ये रहा पूल। तो यार पूल का जो वाइब था ना मॉर्निंग में, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी इन्होंने कर दिया एज़ कम्पेयर टू नाइट। और यहाँ पे एक मेंबर ऑलरेडी उठ चुके हैं। तो पूजा कैसा रहा, नींद आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी नींद आई। और ये रहा गाइस व्यू, यहाँ पे एक बीच में एक ये पुल बना है जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में रात को दिखाया होगा। और ये पूरा लेक है एक तरीके से, पानी यहाँ पे पूरा ट्रैप है और बीचों बीच पानी के एग्जैक्टली ये बनाया हुआ है जिसमें लोग बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं। और ये डक। और ये रात को तो यार उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन अभी मॉर्निंग में आप देख सकते हो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, क्योंकि एकदम लेक के बीचों बीच एक तरीके से लेक हाउस है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी हमने डिसाइड किया है कि हम वापस जाएंगे पूल की तरफ, और हमें चेकआउट करने में अभी 1.5 घंटा टाइम है, और 9 o'clock को नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है, वो मिलने वाला है। तो उसके पहले क्यों ना यार थोड़ा स्विमिंग पूल में जाके नहा धो के यू नो एंजॉय कर लिया जाए। तो उसके बाद हम जाएंगे एंड फिर अपने आप को पूरा क्लीन करके, कपड़े चेंज करके फिर नाश्ता करेंगे। तो चलो सबसे पहले पूल में जाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई जा रही है सुबह सुबह। पानी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये इसको बोलेंगे साफ करने को, साफ कर देंगे ना, और नेट है ना उधर। सुबह सुबह हमने नहा लिया। तो गाइस स्विमिंग पूल में नहा के हो गया एंड बहुत ज़्यादा ठंडी थी जैसे मैंने आपको बताया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो 9 बज गए और टाइमिंग उनका हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। तो सबसे पहले जाते हैं एंड ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है दोस्तों, जिसमें अंडा भुर्जी था, पाव था, कुछ फ्रूट्स थे एंड बाकी चीज़ें थे, और साथ में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो गाइज ब्रेकफास्ट तो हमारा कम्प्लीट हो गया, फटाफट से फ्रेश होते हैं। तो गाइज फाइनली नहा के फ्रेश हो चुके हैं स्विमिंग पूल से आके, काफ़ी थकान महसूस हो रहा है, लेकिन चेकआउट का टाइम हो गया है एंड वी हैव टू चेकआउट। टाइमिंग हो गए है अभी बज रहे 10:45 और हमारा 10 बजे का चेकआउट था, तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो चलो फटाफट जाते हैं, बाकी लोग भी सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए, मैंने भी नहा धो के रेडी चेंज कर लिया। तो चलो हो गया सब चेकआउट का प्रोसीजर कम्प्लीट एंड सामने हमारी पब्लिक पैकिंग करके ऑलमोस्ट चेकआउट करते हुए भी सीधा दोस्तों कार में बैठते हैं फिर चलते हैं। तो चलिए गाइस बैठा जाए, फ्रंट सीट हमारा ही होता है हमेशा की तरफ। आरामदायक एकदम। अरे हमारे शुभम भाई बैठ चुके हैं, बैठ जा। चलो फिर गाइस घर जाने का वक्त आ चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे सफाले से घर की ओर। तो गाइस फाइनली ऑफिस पहुंच चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट फिशरमैन जो रिसोर्ट था, फिर वहां से मैं घर पे नहीं गया क्योंकि यार ऑलरेडी 11:30-12 बज गया था। तो मैंने बोला कि यार चलो यार ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, तो कुछ काम पेंडिंग था वीडियोस बनाने का भी। तो अभी फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 12 एंड फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड उसके बाद बाकी का काम करेंगे। फिर यार दोस्तों जस्ट यार अभी भाई आ चुका है एंड अभी यहाँ पे ना जस्ट अभी लेक्चर वीडियो कम्प्लीट हुआ है एंड आप यहाँ पे देखोगे ना आराम से यार अभी आराम कर रहा है, मीन्स यार घूम के अभी आए हैं ना यार वीडियो बनाने के बाद आराम करने लग गए। तो चलो यार दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद मुझे भी थोड़ा कुछ काम है अंदर, तो फटाफट मैं अंदर चलता हूँ एंड जो भी मेरे लैपटॉप पे काम है वो निपटाता हूँ। फिर यार दोस्तों शाम के बज चुके 6 एंड यार अभी हो चुका है घर जाने का टाइम, तो फटाफट ना देखो अभी यहाँ पे मेरा बैग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इतना मोटा बैग है यार क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैंने सब्जी वगैरह लाए थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था यहाँ से मार्केट। तो चलो यार अब फटाफट निकलते हैं घर पे। तो दोस्तों यार जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे एंड मैं घर पे आते ही आ गया हूँ ये वाले बेडरूम में, क्योंकि यार अंदर वाले बेडरूम में भाई एक्चुअली कोई कॉल पे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है एंड यार आगे मम्मी पापा बैठ के देख रहे टीवी। तो चलो यार
थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं एंड उसके बाद यार अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करें। तो दोस्तों यार जस्ट अभी नाउ हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं आ चुका हूँ मेरे बेडरूम में आराम करने के लिए, क्योंकि यार टाइम भी हो चुका है 9:30 एंड यार अभी ज्यादा थक गया हूँ, इसके वजह से मन कर रहा है यार सोने जाने का। तो चलो यार दोस्तों मैं भी अभी सोने जा रहा हूँ एंड भाई भी यहाँ पे है बैठ के वो मूवी देख रहा है। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप यार ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ब्लॉग तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए